तो दोस्तों कमाल लाजवाब राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी या फिर शिखर धवन की पंजाब किंग्स। इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 11 की, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स की। क्या इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हो सकती है इस मैच के लिए? साथ ही साथ दोस्तों कौन से बैट्समैन चलेंगे, कौन से बॉलर चलेंगे, कौन से ऑलराउंडर चलेंगे इस मैच में, इसके बारे में बात करेंगे। पिच रिपोर्ट आपको बताऊंगा, साथ ही साथ दोस्तों कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी टीम जो है आगे दिखती है इस मैच के लिए। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट बता देता हूं इस मैच की क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये मैच जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड पे खेले जाने वाला है और पहला ही मैच लखनऊ सुपर जायंट्स अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाली है। काफी बढ़िया जो है इस मैच में मजा आने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पिच रिपोर्ट क्या है इस मैच की। तो दोस्तों यहां पर जो है स्लोअर बॉलर और स्पिनर बॉलर जो है ज्यादा से ज्यादा विकेट्स ले सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों जो चेस करने वाली टीम होगी इस मैच को जीत सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर फास्टर बॉलर भी जो है बहुत बढ़िया अपना फॉर्म दिखा सकते हैं। मैंने इस पिच पे अब तक जितने भी मैचेस देखे हैं वहां पर मुझे यही देखने को मिला है कि फास्टर बॉलर, स्लोअर बॉलर और साथ ही साथ स्पिनर बॉलर यानी कि बॉलर्स जो है यहां पर काफी ज्यादा विकेट्स लेते हैं। तो यहां पर जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्पिनर बॉलर और फास्टर बॉलर जो है विकेट ले सकते हैं। बैटिंग भी दोस्तों इस पिच पे ठीक ठाक रहेगी लेकिन दोस्तों वो देखने वाली बात होगी किस तरीके से बैट्समैन अपना फॉर्म दिखाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। क्या प्लेइंग 11 जो है दोनों टीमों की इस मैच के लिए हो सकती है? सबसे पहले हम पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग के लिए आएंगे शिखर धवन और जॉनी बेस्टो। नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेंगे प्रभसिमरन सिंह, नंबर 4 पे लाइम लिविंगस्टन, नंबर 5 पे जितेश शर्मा, नंबर 6 पे सैम करन, नंबर 7 पे शशांक सिंह, नंबर 8 पे हर्षल पटेल, नंबर 9 पे राहुल चहर, नंबर 10 पे कग्गी सोराबाड़ा और नंबर 11 पे अर्शदीप सिंह। कुछ इस तरीके से जो है पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 हो सकती है। बात करें दोस्तों चेंजेस की तो शशांक सिंह की जगह जो है कोई भी आ सकता है लेकिन दोस्तों पंजाब किंग्स जो है कोई भी चेंज नहीं कर रही है तो मेरे हिसाब से जो है अभी के लिए यही प्लेइंग 11 होगी। और दोस्तों हरप्रीत बरार जो है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है सिंह की जगह आ सकते हैं तो देखने वाली बात रहेगी वो। दोस्तों वही अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11 की, उनकी क्या प्लेइंग 11 इस मैच के लिए हो सकती है? तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक जो है ओपनिंग के लिए आएंगे, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे, नंबर 4 पे जो है आपको देखने को मिलेंगे आयुष बढ़ोनी, नंबर 5 पे दीपक हुडार, नंबर 6 पे निकलस पूरन, नंबर 7 पे मार्कस टॉयनिस, नंबर 8 पे कुणाल पांड्या, नंबर 9 पे रवि बिश्नोई, नंबर 10 पे मोहसिन खान, नंबर 11 पे नवीन उल हक। कुछ इस तरीके से जो है लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा यहां पर सवाल है कि केएल राहुल नंबर 5 पे आने वाले थे और वो ओपनिंग के लिए क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ओपनिंग पे आना है तो वो ओपनिंग पे आएंगे और तो कोई रीजन हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से दोस्तों देवदत्त पडिक्कल को ओपनिंग के लिए आना चाहिए लेकिन दोस्तों ये जो डिसीजन है ना लखनऊ सुपर जायंट्स का, पहले उन्होंने कहा कि केएल राहुल को नंबर 5 पे खिलाएंगे, खिलाया नहीं, बात अलग थी। लेकिन दोस्तों अब बात यह आ गई है कि देवदत्त पडिक्कल को फिर ट्रेड करके अपनी टीम में लिया क्यों गया है? उनको एक बतौर ओपनर ही मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, वो बहुत बढ़िया तरीके से ओपनिंग पे बैटिंग कर सकते हैं। चेंजेस की बात करूं, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे लेकिन मैंने जो है केएल राहुल के बारे में आपको बता दिया, तो चेंज मुझे कोई नजर जो है इस प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा है। बस यश ठाकुर जो है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है इस टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहां पर प्रेडिक्शन की, कौन से बॉलर, कौन से ऑलराउंडर और कौन से बैट्समैन जो है इस मैच में चल सकते हैं। बैटिंग के साथ हम शुरू करते हैं। बैटिंग में जो है मेरे हिसाब से केएल राहुल जो है 50 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं, चाहे पहले बैटिंग हो या फिर बाद में बैटिंग हो, मेरे हिसाब से ये 30 या फिर 50 से ज्यादा रन इस मैच में बनाने वाले हैं। बहुत बढ़िया बैट्समैन है, इस मैच में जो है 50 से ज्यादा रन बना देंगे। उसके बाद दोस्तों मेरे हिसाब से जो है निकलस पूरन जो है 30 से ज्यादा रन इस मैच में बनाने वाले हैं। फिनिशिंग के लिए आते हैं और बहुत बढ़िया फिनिशिंग करना जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है बॉलर्स चल सकते हैं तो दोस्तों फिर तो इनकी बैटिंग जो है आ जाएगी और ये जो है 30 से ज्यादा रन बना ही देंगे। साथ ही साथ दोस्तों शिखर धवन हर मैच में चलते हैं, ये किसी भी ग्राउंड पे चल जाते हैं 30 से ज्यादा रन तो ये बना ही देते, तो मेरे हिसाब से जो है 30 से ज्यादा रन इस मैच में बनाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग में मेरे हिसाब से जो है रवि बिश्नोई जो है इस मैच में मेरे हिसाब से 1 से ज्यादा विकेट ले सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर स्पिनर चलेंगे या नहीं, लेकिन स्पिनर फ्रेंडली विकेट है तो मेरे हिसाब से स्पिनर चलेंगे और 1 से ज्यादा विकेट जो है रवि बिश्नोई इस मैच में लेने वाले हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पर और कौन चलेगा तो नवीन उल हक जो है मेरे हिसाब से 1 से ज्यादा विकेट लेंगे। अभी के लिए विकेट टेकर का काम अगर कोई कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, पिछले मैच में भी अगर किसी ने विकेट टेकर का काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ नवीन उल हक थे, तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी नवीन उल हक जो है 1 से ज्यादा विकेट लेंगे। और दोस्तों पंजाब किंग्स के लिए जो है अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल जो है 2 से ज्यादा विकेट्स इस मैच में लेने वाले हैं, मेरे हिसाब से तो लेंगे ही क्योंकि और
कोई बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि विकेट टेकर का काम कर सकता है। मतलब कगिसो रबाडा एक है, कगिसो रबाडा को जो है कंसिडर कर सकते हैं आप हर्षल पटेल की जगह, लेकिन अर्षदीप सिंह और कगिसो रबाडा भी जो है एक या फिर दो से ज्यादा विकेट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स में कौन चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं पंजाब किंग्स के लिए जो है आज एक से ज्यादा विकेट सैम करन लेंगे और 20 से ज्यादा रन बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा विकेट जाने वाली है तो विकेट्स तो ये लेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों फिर इनकी बैटिंग भी आएंगे तो मेरे हिसाब से 20 से ज्यादा रन ये बना सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कौन जो है ऑलराउंडर्स में बहुत बढ़िया अपना फॉर्म दिखा सकता है तो मेरे हिसाब से मार्कस स्टोइनिस जो है वो एक से ज्यादा विकेट लेंगे अगर ओवर मिलते हैं तो, और दोस्तों साथ ही साथ 20 से ज्यादा रन बनाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, कौन सी टीम आगे दिखती है। टॉप ऑर्डर से हम शुरुआत करते हैं, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पटिकल ये जो बैट्समैन से मौजूद है टॉप ऑर्डर में लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। अगर केएल राहुल नीचे आते हैं तो फिर देवदत्त पटिकल जो है ओपनिंग के लिए आ जाएंगे, फिर वहां पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। वही अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें उनके पास टॉप ऑर्डर में कौन से बैट्समैन मौजूद है तो शिखर धवन, जॉनी बेस्टो और सिंह मौजूद है। प्रभसिमरन सिंह जो है काफी बढ़िया बैट्समैन है, यहां पर मुझे दोनों टीमें सेम दिख रही है क्योंकि दोनों टीमों के पास सेमी बैट्समैन है और सेमी उनका फॉर्म भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो है हमें इक्वल पॉइंट देना पड़ेगा दोनों टीमों को और यहां पर जो है दोनों टीमें सेम है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास मौजूद होंगे इस मैच में आयुष बड़ोनी, साथ ही साथ दीपक हुडा, निकलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस। और दोस्तों अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें उनके पास मिडल ऑर्डर में कौन से बैट्समैन है तो उनके पास मौजूद है लाइम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन और शशांक सिंह। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन में जो है दोनों टीमें सेम ही है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो दो बैट्समैन इनके पास भी बहुत बढ़िया और दो बैट्समैन इनके पास भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर सेम पॉइंट्स देना चाहूंगा दोनों टीमों को। होम ग्राउंड जो है लखनऊ का है, वरना तो दोस्तों मैं यहां पर पंजाब किंग्स को ही पॉइंट दे देता लेकिन अब मैं वैसा नहीं करने वाला हूं क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है, वहां पर इनके बैट्समैन चलेंगे तो मेरे हिसाब से जो है यहां पर सेम ही होगा। लोअर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लोअर ऑर्डर में जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास मौजूद है कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और दोस्तों नवीन उल हक। अगर हम बात करें यहां पर पंजाब किंग्स की, पंजाब किंग्स के पास लोअर ऑर्डर में कौन है तो हर्षल पटेल, राहुल चहर, कगिसो रबाडा और अर्षदीप सिंह। यहां पर अगर बात करूं मैं कौन सी टीम आगे है तो पंजाब किंग्स हमें साफ साफ आगे दिखती है क्योंकि हर्षल पटेल क्वालिटी बॉलर है, अर्षदीप सिंह क्वालिटी बॉलर है और कगिसो रबाडा भी क्वालिटी बॉलर है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ये बॉलिंग कर सकते हैं और राहुल चहर एक दो विकेट ले लेंगे। वही अगर हम रवि बिश्नोई और राहुल चहर का कंपैरिजन करें दोस्तों मुझे थोड़े से ना थोड़े से रवि बिश्नोई आगे दिखते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मोहसिन खान और नवीन उल हक इनके पास मौजूद है, यश ठाकुर भी एक्सपीरियंस नहीं है अगर वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर हरप्रीत बरार भी आएंगे बॉलिंग करने के लिए तो मेरे हिसाब से पंजाब यहाँ पर थोड़ी सी आगे है। तो दोस्तों इस तरीके से कंपैरिजन है। बात करें कौन सी टीम जो है इस मैच को जीतेगी तो लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीतने वाली है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पे जो है अभी तक ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो है आईपीएल 2024 में टीम्स ने जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि होम ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो है टीम्स जीतती है तो इसी की वजह से मैं ये बता रहा हूं। और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है फेवरेट भी इस मैच को जीतने के लिए, मेरे हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स जो है इस मैच को जीत जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अभी तो आईपीएल 2024 के काफी सारे मैचेस बाकी है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 11 ही मैचेस हुए हैं तो और भी मैचेस की जो वीडियोस है इस चैनल पे आपको देखने को आगे भी मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।